तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास है 2022 मॉडल न्यू होंडा SP125 BS6 मॉडल का पर्ल ब्लू कलर, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये इसका 2022 मॉडल है, जिसमें आपको होंडा की तरफ से इसमें आपको कुछ नए बदलाव देखने को मिलते हैं, कुछ नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं इसके 2022 मॉडल में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं कि 2022 मॉडल SP125 में होंडा की तरफ से आपको क्या क्या नए बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, और साथ ही इसकी जो प्राइस है ना, वो भी आपको पहले से थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो हम आपको इसके एक्सोन प्राइस के साथ आपको ऑन रोड प्राइस भी बताएंगे कि अगर आप लोग 2022 में न्यू होंडा SP125 लेने जाते हैं तो आप लोगों को कंप्लीट प्राइस आप लोगों को कितना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग 2022 में SP125 लेने वाले हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कि इसमें आपको क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसकी प्राइस क्या चल रही है, इसकी ऑन रोड प्राइस कितना पड़ेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए, अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे आने वीडियो को मिस ना कर सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले चेंज की बात कर लेते हैं, जो कि इसके ग्राफिक्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके हेडलाइट के साइड में आप देखते हैं, अब इसकी जो ग्राफिक्स मिलती है ना, वो पहले से थोड़ा सा बड़ी हो चुकी है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। तो दोस्तों, ग्राफिक्स वाइज इस बाइक में आपको थोड़ा सा अपग्रेड देखने को मिलता है। ये जो ग्राफिक्स देखने को मिलती है ना, आपको पहले से थोड़ा सा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में। तो आप लोगों को ये जो नई ग्राफिक्स देखने को मिल रही है SP125 में, ये आप लोगों को कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के लुक्स वाइज के डिजाइन में, तो इसमें डिजाइन में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो डिजाइन देखने को मिलता है आपको पहले की तरह काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इस बाइक के दूसरे चेंज के बारे में, जो कि इसके प्राइस में देखने को मिल जाती है, तो दोस्तों, इसका जो प्राइस है ना, पहले से थोड़ा सा बढ़ चुका है, जो कि 3 से 4 हजार रुपीज की प्राइस पहले से बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सोन प्राइस के बारे में। तो गौर करिए कि इसमें आपको दो मॉडल मिलता है, जिसमें से पहला है ड्रम मॉडल, जिसकी एक्सोन प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 80,738 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और इसका जो दूसरा मॉडल आता है, वो आता है डिश मॉडल, जिसकी एक्सोन प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 74,738 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो एक्सोन प्राइस है पहले से 3 से 4 हजार रुपए बढ़ चुकी है। तो अगर हम बात करें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, कंप्लीट बाइक के प्राइस के बारे में, तो दोस्तों, इसका जो ड्रम मॉडल आएगा ना, वो लगभग आप मान के चलिए 95,000 टू 98,000 के बीच में आपको इसका ड्रम मॉडल देखने को मिल जाता है। और इसका जो डिश मॉडल आएगा, वो लगभग आप मान के चलिए 99,000 टू 1,02,000 के बीच में आपको इसका डिश मॉडल देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्राइस बताया, ये मैंने आपको लगभग प्राइस बताया। अगर आप लोग को इसका एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जानना है, तो वीडियो की स्टार्टिंग में एजेंसी का डिटेल मिल जाएगा, वहां से चाहेंगे तो डायरेक्ट एजेंसी कॉल करके इस बाइक का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जान सकते हैं। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट सेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा, वही सेम आपको टेलास्कोपिक सस्पेंशन लगाया गया है, जो कि आपको पहले वाला देखने को मिलता है। तो इसकी जो सस्पेंशन क्वालिटी है ना, आपको पहले की तरह काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, सस्पेंशन के दोनों साइड में देखते हैं येलो कलर का रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी। और अगर हम बात करें इस बाइक के फ्रंट ब्रेक के बारे में, तो दोस्तों, गौर करिएगा, ये इसका डिश मॉडल है, तो इसमें आपको फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी साइज है 240 mm का। और साथ ही साथ इसमें आपको CVS सिस्टम मिल जाता है, यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसका यूज आप लोगों को पता होगा कि अगर आप इसका रियर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपका जो फ्रंट ब्रेक है ना, ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। तो इसकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी मिलेगी, वो भी आपको पहले की तरह काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। और इसका जो फ्रंट टायर निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, स्प्लिट अलॉय व्हील के साथ। तो दोस्तों, इसके फ्रंट सेक्शन में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको फ्रंट सेक्शन देखने को मिल जाती है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, फ्रंट से लुक के बारे में, जिसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है इसके ग्राफिक्स वाइज। तो यहाँ पे देखिए, इसके हेडलैम्प के दोनों साइड में देखते हैं, इसका जो ग्राफिक्स देखने को मिलता है ना, इसमें आपको न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलती है, जो कि पहले से थोड़ी सी बड़ी ग्राफिक्स देखने को मिलती है। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा ग्राफिक्स देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लंबा ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं रेड और व्हाइट कलर में देखने को मिलती है, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। तो दोस्तों, ये जो थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है इसकी ग्राफिक्स, इसकी वजह से जो लुक निकल के आता है ना, पहले से थोड़ा और ज्यादा स्पोर्टी लगता है देखने में। दोनों तरफ इसकी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। तो दोस्तों, आप लोग को इसका जो नया ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो साइड इंडिकेटर मिलेगा, वही आपको 10 वाट का बल्ब इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलेगी, क्योंकि ये हार्ड फाइबर्स बनाया गया। और अगर हम बात करें इस बाइक के हेडलैम्प के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें आपको ब्लैक कलर का वाइजर देखने को मिल जाता है, वाइजर के ऊपर देखते हैं होंडा का बैचिंग देखने को मिल जाती है व्हाइट कलर में, जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी। और अगर हम बात करें इस बाइक के हेडलैम्प के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, इसका जो हेडलैम्प मिलता है ना, आपको पहले की तरह फुल्ली LED सेटअप वाला हेडलैम्प देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें हेडलैम्प के अंदर आप देख सकते हैं LED की बैचिंग भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इसकी जो रोशनी
रोशनी है ना, इसकी जो विजिबिलिटी है ना, वो आपको पहले की तरह काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि SP125 में जो LED हेडलैम्प देखने को मिलता है उसकी जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो इसके हेडलैम्प की रोशनी को लेकर आपको पहले भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती थी। और अगर हम बात करें इस बाइक के साइड से लुक के बारे में, इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो ग्राफिक्स ना पहले से थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसकी भी इसका जो साइड से लुक निकल के आता है ना काफ़ी स्पोर्टी लगता है देखने में। तो आप लोग को इसका साइड से लुक कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के हैंडल बार के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लेफ्ट हैंडल बार से। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको एक ही स्विच देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग लो एंड बीम का स्विच यूज कर सकते हैं, पासिंग स्विच का यूज कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है, स्विचेस क्वालिटी जो मिलती है आपको पहले वाली देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें इस बाइक के राइट हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको सिंगल स्विच लगाया गया है, जिससे आप लोग अपने इंजन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। ये जो स्विच है ना आपको पहले भी देखने को मिलती थी। और अगर हम बात करें इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो मीटर कंसोल देखने को मिलता है ना, आपको पहले वाला मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जो कि फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वो भी आपको पहले वाले देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाता है, टाइम मिल जाएगा, ओडोमीटर मिल जाता है, टेकोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है। और साथ ही साथ अब इसमें आपको सर्विस ड्यू इंडिकेटर भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलती थी। और साथ ही साथ इसमें आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि 2022 का इसमें आपको अगला चेंज देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसका जो मीटर कंसोल है ना आपको पहले वाले डिजाइन में देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में, क्योंकि 125cc की बाइक है। लेकिन इसमें आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिलता है, इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक नया अपडेट देखने को मिलता है कि अब इसमें आपको इको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलती थी। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के मीटर कंसोल की बात। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा आपको डार्क ब्लू कलर में देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक का जो काउल देखने को मिलेगा वो भी आप देख सकते हैं डार्क ब्लू कलर में देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में आप देख सकते हैं मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। फ्यूल टैंक के काउल पे आप देखते हैं होंडा का 3D एम्बल लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और अगर हम बात करें इस बाइक के ग्राफिक्स वाइज, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको व्हाइट और रेड कलर की जो ग्राफिक्स मिलती है ना, ये नई ग्राफिक्स है, जो कि आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक के काउल से लेकर रियर तक जाती है, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। तो दोस्तों ये जो नई ग्राफिक्स देखने को मिल रही है आप लोगों को कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी निकल के आ रही है वो आपको निकल के आ रही है 11 लीटर की, जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो दोस्तों इसका जो इंजन मिलेगा ना वही सेम आपको 123.9cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SI BS6 इंजन देखने को मिलेगा। इसका जो मैक्स पावर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 8 kW का 7500 RPM पे। इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आ रही है वो भी आपको सेम देखने को मिलेगा, जो कि आपको मिलता है 10.9 Nm का 6000 RPM पे। फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो मिलता है वो आपको मिलता है प्रोग्राम्ड FI सिस्टम। तो दोस्तों इसमें आपको FI सिस्टम तो जरूर देखने को मिलती है, जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी। तो इसमें आपको इंजन में जो स्मूथनेस मिलेगा ना आपको पहले की तरह काफी बेहतरीन देखने को मिलेगा। लेकिन अब इसका जो माइलेज है ना 2022 में पहले से 16% एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो लगभग आप मान के चलिए 60 से 65 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है, जो कि काफी अच्छा माइलेज है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के इंजन की बात। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के अगले अपडेट के बारे में, जो कि इस बाइक का सबसे मेन अपडेट किया गया है, जो कि इसके साइड स्टैंड में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसके साइड स्टैंड में आप देख सकते हैं साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसका यूज आपको बता देते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बाइक को गियर में डाला तो इसका जो रियर टायर है ना वो नाचने लगता है, यानी कि बाइक चल रही है। और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इसके साइड स्टैंड को ओपन किया तो इसका जो इंजन है ना वो ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों इसका सिंपल यूज है कि अगर आपने साइड स्टैंड को नहीं हटाया तो आपकी जो बाइक है ना वो स्टार्ट नहीं होगी, जो कि काफी अच्छा सेफ्टी फीचर देखने को मिल रहा है 2022 के लगभग सभी बाइकों में। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के साइड से। तो यहाँ पे देखिए साइड पैनल पे आप देख सकते हैं SP125 की बैचिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी। और अगर हम बात करें इस बाइक के सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो सीट देखने को मिलता है ना काफी लंबी सीट लगाई गई, इसकी जो सीट की कुशनिंग मिलती है आपको पहले की तरह काफी बेहतरीन देखने को मिलती है, क्योंकि SP125 का जो सीट का कंफर्ट देखने को मिलता है उसको लेके आपको पहले भी कुछ शिकायत देखने को नहीं मिलती थी, अभी वो कुछ शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको ब्लैक कलर का पिलियन ग्रेविल लगाया गया है, जो कि काफी मजबूत ग्रेविल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस बाइक में आपको सीटिंग कंफर्ट को लेके पहले भी कुछ शिकायत देखने को नहीं मिलती थी, अभी वो कुछ शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखिए साइड पैनल पे देखते हैं रेड और व्हाइट कलर की ग्राफिक्स देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। और अगर हम बात करें इस बाइक के पिलियन से, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको पिलियन फुटेज मिल जाता है, लेडी फुटेज देखने को मिल जाता है, सारी गार्ड देखने को मिल जाता है। तो आपकी जो घर की लेडीज होती है ना वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती है, क्योंकि ये डेली कम्यूटर बाइक है, तो इसमें आपको लेडी फुटेज कंपलसरी है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर सेक्शन से, इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो रियर से लुक निकल के आता है ना वो भी आपको पहले वाला देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। वही सेम आपको बल्ब टेल लाइट देखने को मिल जाता है, टेल लैंप के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं होंडा की बैचिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी। दोस्तों इसके रियर प्रोफाइल में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग को इसका रियर से लुक कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और यहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के दूसरे साइड से। तो यहाँ पे देखिए इस साइड से जो लुक निकल के आता है ना वो भी आपको
आपको पहले वाला देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इस बाइक के रियर सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिसे आप लोग अपने हाइट के हिसाब से 5 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सस्पेंशन क्वालिटी है ना, आपको पहले की तरह काफी बेहतरीन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा, वॉक मिलता है, ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी साइज है 130 mm का। यानी कि अगर आप लोग इसका डिश मॉडल लेते हैं तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसका ड्रम मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको आगे और पीछे दोनों में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और इसका जो रियर टायर मिलेगा, वॉक मिलता है, 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा स्प्लिट अलॉय के साथ, जो कि पहले भी देखने को मिलती थी। और वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए साइड पैनल पे आप देख सकते हैं, इस साइड में देखते हैं SP125 की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए किक और सेल्फ दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के रियर सेक्शन की बात। अब आपको फाइनली बता देते हैं कि इसके 2022 मॉडल में आपको क्या क्या नए बदलाव देखने को मिल जाते हैं होंडा की तरफ से। तो दोस्तों इस बाइक में आपको पहला चेंज मिलता है कि इसकी जो प्राइस है ना, पहले से 3,000 से 4,000 रुपए बढ़ चुकी है। दूसरा चेंज, इसकी जो ग्राफिक्स है ना, पहले से थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है। तीसरा चेंज, इसमें आपको इको इंडिकेटर मिल जाता है। चौथा चेंज, इसके साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड इंजन कटआउट सिस्टम देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यही कुछ चेंजेस के 2022 मॉडल में होंडा की तरफ से SP125 में देखने को मिल जाते हैं। बाकी बाइक पहले की तरह है लुक्स वाइज, फीचर्स वाइज, बाकी इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगा ये पर्ल ब्लू कलर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को ये बाइक अच्छी लगी, ये नई ग्राफिक्स अच्छी लगी तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये कलर अच्छा लगा, ये बाइक अच्छी लगे तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई सवाल करना है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोगों को हमसे डायरेक्ट बात करना है, आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।